It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this fuel your inner fire for the ultimate gate challenge an Academy combat register now. एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग वॉइस क्लियर है सबको गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग डियर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चा चलिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिएगा सब लोग वॉइस क्लियर आ रही है सबको और जो बच्चे आज नहीं है जल्दी शेयर कीजिए सबको जल्दी से शेयर कीजिए स्टार्ट करेंगे आज डिसइंफेक्शन को कंप्लीट कर देंगे आज डिसइंफेक्शन इन्फेक्शन को कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे मिस्ट्रीनियस ट्रीटमेंट का भी तो उसको भी देखेंगे फटाफट फ़ड़ सबसे पहले सब लोग जल्दी से आ जाओ ऋषभ बोल रहे हैं सर डाउट है यस यू कैन आस्क क्लास के स्टार्टिंग में और क्लास के एंडिंग में आप डाउट पूछ सकते हो तो ऋषभ आप डाउट पूछ सकते हो बिल्कुल कंफर्टेबली आप डाउट पूछिए सो so जल्दी से ज्वाइन कीजिए बाकी लोग जल्दी ज्वाइन कीजिए रिसभ अपना डाउट जल्दी से पूछिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास विच फॉर्म ऑफ क्लोरीन इज बेस्ट सुटेबल फॉर डिस इन्फेक्शन ऐसा आप नहीं आप एड मत करो आप क्लोरीन ऐड करोगे आप क्लोरीन ऐड करोगे तो आपको क्लोरा माइन भी चाहिए आपके क्लोरीन में क्लोरा माइन भी आपको चाहिए अगर नहीं है तो आप अमोनिया प्रेजेंट करो आपको एच ओसीएल वाला पार्ट भी चाहिए आपको हाइपो क्लोराइड भी चाहिए तो एक, एक एक क्लोरीन को मत बोलो कि ये फॉर्म ये क्लोरीन ही आपका सही रहेगा अगर आप सिर्फ क्लोरामाइन यूज करोगे तो आपके वाटर ट्रीटमेंट में ये इनफ नहीं होगा क्योंकि वो स्लो रिएक्ट करेगा वो स्लो रिएक्ट करेगा तो यू नीड अ मिक्सचर ऑफ दैट आज, आजाम मोहम्मद फॉर राइट नाउ पीपीएम और मिलीग्राम पर लीटर फॉर वाटर कंडीशन इट इज सेम फॉर वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर इट इज सेम बट इफ यू गो टू द एयर पोल्यूशन पार्ट जब आप एयर की बातें आप करते हो तो आपका पीपीएम और आपका मिलीग्राम पर लीटर सेम नहीं होता और उसके बारे में कन्वर्जन के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हमारे एयर पोल्यूशन के फर्स्ट टॉपिक में ही वो कन्वर्जन है is ammonia added during uh, disinfection to increase i have already given you that in a second case if enough amount of ammonia is not present in your water we add some extra amount of ammonia we add some extra amount of ammonia so that the chloramines can be formed in eno enough quantity and so that the residual power will be maintained the combined residual chlorine will be formed and ultimately the residual power will be maintained for a longer period of time so this is the doubt uh, rishab ajam pratik ज दैट क्लियर इज योर डाउट इज क्लियर क्या आप सबका डाउट क्लियर हो गया इज यूर डाउट इज क्लियर बच्चा इज योर डाउट इज क्लियर जल्दी बताइएगा कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए और किसी और के डाउट है तो जल्दी मैसेज करो क्लास स्टार्ट करते हैं क्लास में लेट हो रहा है अगर और किसी का डाउट है तो जल्दी मैसेज कीजिए नहीं है चलिए ओके तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सारे बच्चे गेट सेल्फ स्टडी से हो सकता है क्या इस पर मैंने एक सेशन ले लिया है प्रतीक आप सर्च मार लो ये सब यहां डिस्कस मत करो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी सेशन लिया हुआ है आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन या सेल्फ प्रिपरेशन आपको देख लीजिएगा चैनल में ही आप पुराने वीडियोज में देख लीजिएगा मिल जाएगा चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बच्चा तो सबसे पहले वो सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं माइ ने मिर्ग सौरफ डी गाइज अवेयर ऑफ दैट सो आई हैव डन माई मास्टर फ्रॉम एन आई टी वारंगल एंड द टॉपिक वॉज इन मोमेंटल इंजीनियरिंग यू गाइज आर वेल अवेयर ऑफ दैट और जो कंप्लीटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग यू कैन से आफ्टर माई मास्टर आई वेंट फॉर द रिसर्च वर्क इन बार्क एंड ऑलमोस्ट वन ईयर यू कैन से इट्स एक्चुअली एलेवन मंथ और यू कैन से ऑलमोस्ट वन ईयर एंड फोर ईयर फोर ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस स्पेशली इन गेट एंड ई एज आर वेल अवेयर ऑफ दैट और सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो भी आपका अभी चल रहा है इसके अलावा फ्लूड मैके आई एनवाइ इकोलॉजी आपके IS वाले बैच में अभी जो है नॉन टेक जो जो बैच चल रही है 3 -4 जो होती है टू होती उसमें आपकी चल रही है और इनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो ये सारी बातें हैं बाकी दिस इज माई कोड विच यू ऑल गाइस कैन ऑलरेडी नोइंग अबाउट तो एम आर आई टेन जो हमारा कोड है उसमें सबसे बड़ा फायदा हमारा क्या है कि आपको टेन परसेंट का ऑफ होना इफ यू आर गोइंग फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड off you are getting also the mentorship part, the class scheduling, the everything I will, everything, every doubt you will discuss with, you can discuss with me. तो यह फायदा होता है एक्चुअली mentor select करने का तो ये भी आपको एडवांटेज होती है बाई यूजिंग कोड एम आर आई टेन सेकेंड एडवांटेज है कि अगर आप जो भी फ्री classes हम आपको अनकेडमी प्रोवाइड करते हैं उस फ्री क्लासेस को ओपन करने के लिए भी आप स्कोर को यूज कर सकते हैं यू डोंट हैव टू पे एनी थिंग यू डोंट हैव टू पे एनी थिंग जस्ट यूज द स्कोर एंड देन यू कैन फ्री क्लासेस अगर मैं प्लस पे बात करूं तो आपकी जो कोर्सेस आपको अवेलेबल की जाती है ट्वेंटी सेकेंड फैब को और क्या क्या चीजें आपको प्लस में मिलती है उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन बता देता हूं कि आपको लाइव क्लासेस के साथ क्रैश कोर्स और रैंक बैच भी मिलता है लाइव क्लासेस कैसी यूट्यूब नहीं यूट्यूब से कंटेंट वाइज भी बेहतर आपकी क्लासेस है बेहतर क्या मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा बेहतर और उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि क्लासेस की शेड्यूलिंग मालूम रहती है व्हेन द कोर्स इज गोइंग टू कंप्लीट दट दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू यू आर गेटिंग सफिसियंट टाइम फॉर रिवीजन आल्सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम फॉर द यूट्यूब स्टूडेंट क्योंकि वो रिवीजन नहीं कर पाते वो पूरे साल बस पढ़ते हैं रिविजन प्रैक्टिस दीज आर द दिंग्स जिसपे आपको रैंक बनता है डीज आर द थिंग्स जिससे आपको रैंक बनता है बाकी वीकली टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशन आपको हर लाइव क्लासेस में मिलेंगे हर वीकली टेस्ट में आपको एक टेस्ट होगा और डाउट सॉल्विंग सेशन आपको हर तीन क्लास के बाद एक डाउट सॉल्विंग होगा क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर मैं पर्सनल कोच की बात करूं तो वो आपको आइकॉनिक बैच में मिलेगा एक पर्सनल कोच और उसके साथ स्टडी प्लानर स्टडी बूस्टर सेशन टेस्ट एनालिसिस आपकी हो जाएगी और साथ में आपको अनलिमिटेड प्रिपेटरी स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा ये उन बच्चों के लिए खासकर फायदा है जिनका एकेडमिक्स थोड़ा सा लो है इन अ कॉलेज दे कैन गो विद दिस क्योंकि आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलता है एंड देट इजन अगर आप इसमें देखेंगे फीस तो आप प्लस की फीस देखिएगा तो आपको जो रेगुलर फीस है वो ट्वेंटी टू हंड्रेड पर मंथ है और ट्वेंटी फोर मंथ की आईकॉनिक वन आपको 2250 पर मंथ, तो ये ट्वेंटी फोर मंथ के लिए था आइकॉनिक आपका सिर्फ ट्वेंटी ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर मंथ के लिए है क्योंकि मेंटरशिप आप किसी का आप ले रहे हो और पर्सनल कोच रख रहे हो तो मिनिमम आपको ट्वेल्व मंथ तो रिक्वायर्ड होगा ही और यहां आप मैं आप लोग को बता दूं कि ये आप देखो आप जो भी आपकी फीस दी हुई है जो आपका फीस लिखा हुआ है दिस फीस विल बी ओनली इफ यू आर यूजिंग दिस कोड एम आर आई टेन सो यू आर पेइंग ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टू ट्वेंटी और आप लोग को अभी मालूम है यू यूगाज आर वेल अवेयर कि आपकी जो फीस है वो टेन थाउजेंड टेन परसेंट से फाइव परसेंट जा रही है तो ऑन एन एवरेज आप ट्वेल्व मंथ पे अगर आप ले रहे हो रेगुलर कोर्सेज तो आपको फिफ्टीन थाउजेंड की आई थिंक सेविंग हो जाती है और अगर आप मंथ की ले रहे हो तो आपको अराउंड थ्री थाउजेंड या थर्टी फाइव थाउजेंड के आसपास थर्टी फाइव हंड्रेड के आसपास आपको uh, सेविंग होती है चलिए सो so, बाकी आप लोग को मैंने बता दिया कि अगर आपको फ्री क्लासेस जितनी भी मैं लेता हूँ अनडमी जितनी यूट्यूब पे होती है उतनी ऐप पे भी होती है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं खासकर वीकली टेस्ट जो लेता हूं नाइन पी जो आपका अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चल रहा है तो वो सारी चीजें आप अटेंड कर सकते हो ठीक है चलिए तो हमारा डिस्कशन कहां तक था आपने कुछ डाउट्स पूछा है एक्स्ट्रा कुछ मैं देख लेता हूं हमारा डिस्कशन आई थिंक डिसइंफेक्शन का ब्रेक पॉइंट क्लूजन वाला पॉइंट सब कुछ खत्म हो गया था हम लोग लास्ट पॉइंट पे थे इफ आई एम करेक्ट वी आर हियर टू डिस्कस नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर यूनिट इज नथिंग बट टेस्ट टू फाइंड आउट रेसिडुअल क्लूडिंग टू फाइंड आउटल फ्लोरी सो बिफोर दैट लेटमी सी सम्यू डाउट मोर आई थिंक फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन वाटर में होना जरूरी है क्या हाँ पॉइंट फाइव से कम रहता है तो भी प्रॉब्लम है आपके लिए नीड फॉर बुक टू क्लियर रैंक इन अ गेट ए नहीं अगर आपने सही तरीके से सही लेक्चर फॉलो किया है तो आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी बुक मीन्स थियोटिकल बुक बुक मीन थियोटिकल बुक आज हम अलग से टेस्ट सीरीज नहीं बचा वी आर गिविंग टेस्ट सीरीज ओनली फॉर द प्लस स्टूडेंट और बाकी फ्री टेस्ट सीरीज जो आपको आते हैं ऑनलाइन पे वो तो आपको है ही अवेलेबल चलिए तो हमारा आप काम है कि टेस्ट फॉर रेसिडलोरिन के बारे में डिस्कस करना तो रेसिडल क्लोरिन मैंने आपको कल ही बताया था रेसिडल क्लोरिन वो क्लोरीन जो डिमांड आपके वाटर की जो क्लोरीन डिमांड थी वो पूरा होने के बाद वो पूरा होने के बाद जो क्लोरीन बच गया आपके पास उसको आप बोलते हो रेसोन उसको आप क्या बोलते हो रेसिडल थोड़ा थोड़ा जानकारी गेट के लिए इंपॉर्टेंट है एज वेल एज फॉर एक बार देखते हैं तो समझिएगा आराम से जो बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा आप क्या करते हो ना आप क्या करते हो इस बात को समझिएगा आप एक टेन एम का आप टेन एम का टेन एम ऑफ क्लोरिनेटेड सैंपल लेते हो क्लोरिनेटेड सैंपल लेते हो इसमें ऑर्थोटोलाडाइन एक रिएजेंट है ऑर्थोटोलाडाइन एक रिएजेंट है जिसको आप ऐड करते हो कितना ऐड करते हो पॉइंट वन एम एल पॉइंट वन एम एल ऑफ ऑर्थोटोलाडाइन टेस्ट सैंपल क्या होगा जब आप इसको ऐड करते हो ना देन वॉटर विल हैव सम कलर लिटिल बिट इन शेड्स ऑफ येलो आई विल से, सो वॉटर विल हैव सम कलर लिटिल बिट इन इन रिलेटेबल टू द येलो शेड्स तो वो आपको दिखते हैं अब हम क्या करते हैं दो बार कलर को मेजर करते हैं जैसे ही आपने डाला स्टार्टिंग में स्टार्टिंग फाइव सेकंड में ध्यान सुनिएगा ध्यान सुनिएगा सब लोग फर्स्ट रीडिंग जो हमारी आती है फर्स्ट रीडिंग जो हमारी आती है दैट वी टेक इन फाइव सेकेंड दैट वी टेक इन फाइव सेकेंड तो फाइव सेकेंड में ऐसा क्या होता है सर फाइव सेकेंड में ऐसा क्या होता है कैसे आती है देखो जैसे ही आपने ऑर्थोटॉलर डाला तो सबसे पहले जो आपका फ्री क्लोरिन वाला पार्ट होगा क्या होगा फ्री क्लोरिन वाला पार्ट मतलब आपका एच और ओसीएल माइनस वाला पार्ट वो जो रिएक्ट करेगा वो जो रिएक्ट करेगा वो जो कलर फॉर्म करेगा उसके आधार पे हमने एक रीडिंग दी उसके आधार पे हमने रीडिंग दी उसको नाम दिया हमने आर वन और ये क्या आपका बताएगा फ्री क्लोरिन एज इट इज ए कलर मैचिंग टेक्निक तो आप इस बात को ध्यान से दूसरी बात सेम सैंपल को सेम सैंपल को इन अ फाइव मिनट

कंबाइन प्लस फ्री फ्री वाला भी रहेगा ना पहले से Is that clear? अब देखो आपको अगर फ्री क्लोरीन कोई पूछ रहा है तो आर वन निकाल दिए डायरेक्टली अगर कोई आपको कंबाइंड क्लोरीन पूछ रहा है तो आर टू माइनस आर वन कर दिए बोलो हाँ यानी बात समझ में आई क्या ये पॉइंट समझ में आया अगर आपसे कोई फ्री क्लोरीन के बारे में पूछ रहा है तो R1 हमने बता दिया अगर कोई हमसे कंबाइंड क्लोरीन के बारे में पूछ रहा है तो R2 तो कंबाइंड और फ्री दोनों की वजह से था तो अगर R2 में आपने R1 माइनस कर दिया तो आपका कंबाइंड क्लोरीन पे आ गया तो यही चीज हम करते हैं यहां पे भी यही चीज हम यहां पे भी करते हैं क्या करते हैं हम यहां पर आपके पास कंबाइंड क्लोरीन है कंबाइंड क्लोरीन है कितना अगर आपसे कोई फ्री क्लोरीन पूछ रहा है ट विल भी डायरेक्टली इक्वल टू आर वन बट अगर आपसे कोई कंबाइंड क्लोरीन पूछ रहा है यहां टीसीयू में मेजर नहीं होता यहां टीसीयू में मेजर नहीं होता यहां क्या है ना प्रतीक आपके पास एक ऐसा एक स्ट्रिप रहता है एक स्ट्रिप रहता है आपने अगर किया होगा रेजियो क्लोरीन का मेरे पास वो अभी स्ट्रिप है नहीं लैब में तो मैं आपको शो करता इधर आपको कलर रहते हैं अलग-अलग सेट्स ऑफ येलो ही रहते हैं आपको येलो येलोइश ग्रीनिश आप बोल सकते हो और इधर उसके अकॉर्डिंग आपके डाटा कैलिब्रेटेड लिखी रहती है तो ये जो आप r1 r2 लेके आते हो ना ये कलर मैचिंग टेक्निक से आपका सैंपल का 5 सेकंड बाद क्या कलर आया था

आप वो वैल्यू लिखते हो आर वन और आर टू डिफरेंस आपको देता है कंबाइंड क्लोडी बोलो बात समझ में आई बोलो बात समझ में आई बात समझ में आई बात समझ में आई, समझ में आई।, समझ में आई, समझ में आई सबको इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है चलो अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है प्रॉब्लम ये आता है ना इस इस टेस्ट में कि आपके पास अगर आपके आर्सनेट हो गया या सॉरी आयरन हो गया मैग्नीशियम हो गया या कुछ ऐसे कंपाउंड हो गए कुछ ऐसे सब्सटेंस हो गए जो आपके वाटर में कुछ कलर कंपाउंड है क्योंकि आपको मालूम है आयरन मैग्नीज ये सब आपको रेडिस ब्राउन ऐसे कलर फॉर्म कर देते हैं तो इनके प्रजेंस की वजह से जो आपका कलर फॉर्म होता है आफ्टर फाइव सेकेंड और आफ्टर फाइव मिनट दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू कलर ट इज नॉट एक्चुअली ट्रू कलर और अगर ट्रू कलर नहीं है और आपने कलर मैचिंग टेक्निक से अपनी वैल्यू दी है तो वैल्यू तो गलत ही आएगी ना बोलो हा या ना हाँ सर वैल्यू बिल्कुल गलत आएगी तो फिर क्या करें ऐसे सिचुएशन में तो यहां पर आप सबसे पहले लिखो इनकेस इफ आयरन मैगनीज And other color causing compound and other color causing compound in case if iron, manganese, and other color causing compound are present in water.

इस टेस्ट को हम मॉडिफाई कर देते हैं और इस टेस्ट का नाम हम दे देते हैं देखो क्या देते हैं ऑर्थो टॉलाडाइन आरसनेट टेस्ट कुछ भी नहीं करते सेम सैंपल लो सेम टेन एम का सैंपल लो ध्यान देखना सेम टेन एम का सैंपल लो इसमें ऐड कर दो आप इसमें ऐड कर दो आप सोडियम आर्सनाइट अब जब आप सोडियम आर्सेनाइड इसमें ऐड करोगे तो वो सारे कंपाउंड वो सारे बोल सकते हो आप सिंपली कि जितने भी आपके हैं, सबको वो खत्म कर देगा मतलब ये क्या करता है आपको इफ यू ऐड दीज थिंग्स इफ यू ऐड दीज थिंग्स वाटर सैंपल विल बिकम डी क्लोरिनेट विल बिकम डी क्लोरिनेट विल बिकम डी क्लोरिनेटेड अब अगर सैंपल ही पूरा डीक्लोरिनेटेड है सैंपल ही पूरा डीक्लोरिनेटेड है इन दैट केस अगर इसमें आप इन दैट केस अगर इसमें आप ऑर्थोटोलाडाइन डालोगे इन दैट केस इसमें आप अगर डालोगे ऐसे सैंपल में ध्यान सुनना तो कलर जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा आप लोग बताना यू गाइज आई वॉन्ट समझना है टेस्ट को समझना है एक बार में खेल जाओगे मैंने क्या किया सोडियम आर्थनाइट डाला और उस उस सैंपल को डीक्लोरिनेट कर दिया अब फिर से मैंने ऑर्थोटोलाटाइन आपका डाला केमिकल डाला तो अब जो कलर आएगा नाउ द कलर विच वट आर कलर विल फॉर्म इज दैट कलर बिकॉज ऑफ इज दैट कलर बिकॉज ऑफ जल्दी बताइएगा इज दैट कलर बिकॉज ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ किसी ने भी कॉमेंट नहीं किया अभी तक it is because of the color causing compound like iron manganese and other compound which are formed and that that color is because of that only so it will it will give you the r1 value and that value comes because of color causing compound लाइक आयरन मैग्नीस लाइक आयरन एंड मैग्नीस तो हमने क्या किया कि वो जो आयरन और मैग्नीस की वजह से जो कलर आ रहा था उसका इसको एक अलग वैल्यू निकाल लिया उसका अलग वैल्यू बता दिया हमने आर्वन अब इसके आगे कहानी हम क्या करेंगे अब क्या कहानी हम क्या करेंगे कि अब सैंपल लाओ अब फिर से वो सैंपल लाओ फिर से टेन एम एल का सैंपल लो फिर से इसमें आप क्या करो 0.1 पॉइंट वन एम एल ऑफ ऑर्थोटोलाडाइन डालो ऑर्थोटोलाडाइन डालो अब यहां पे जो आपका फ्री रसडोल का वाला आएगा प्लस आयरन वाला जो आएगा आयरन एम कलर वाला जो आएगा दैट वैल्यू विल बी आर टू जो हमने कितने है? 5 second में लिया है पांच सेकेंड में सेम कंबाइन प्लस फ्री रेस्टोक्लोडीन प्लस ये हो गया आपका थ्री एंड दिस विल बी इन अ फाइव मिनट तो हमने क्या किया देखो अगर बात आप समझ पा रहे हो अगर आप बात आप समझ पा रहे हैं अब अगर आप बात समझ पा रहे, हैं, समझ पा रहे हैं, तो हमने क्या किया पहले उस सैंपल में आयरन और मैगनीज या कोई भी अदर कलर कॉजिंग कंपाउंड हो उसकी वजह से क्या कलर फॉर्म हो रहा है उसकी वजह से क्या वैल्यू आ रही उसको हमने फाइंड आउट कर लिया और फिर से उसी सैंपल को एक नया सैंपल दिया दस एमल डाला और अब जो मेरा पांच सेकंड में वैल्यू आएगा वो फ्री क्लोरिन को भी साथ में आएगा और प्लस आयरन और तो है ही वो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा था बट अब मेरे को अगर फ्री रेसर निकालना होगा अब मेरे को अगर फ्री रेस निकालना होगा तो आप सब लोग बताओगे नाउ यू ऑल गैस विल कॉमेंटेड

और जो आपको कंबाइंड क्लोरीन रसर की वैल्यू बताएगा दोनों वैल्यू मेरे को बताओ आई वॉन्ट बोथ वैल्यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू आई वॉन्ट बोथ वैल्यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू दोनों वैल्यू बताना फ्री क्लोरीन निकालना है सर ये फ्री क्लोरीन प्लस आयरन मैग्नीज़ हमको R2 आया था सर आयरन और मैंगनीस की वजह से तो हमको आर मिल चुका था पहले से तो अगर दोनों को माइनस कर देंगे वेरी गुड प्रतीक वेरी गुड दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो हमको वैल्यू आ जाएगी हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो सर साथ में अगर मैं कंबाइंड क्लोरिन की बात करूं तो आपको देखो कंबाइंड कैसे निकलेगा अगर आप आर थ्री माइनस आर टू कर दो अगर आर थ्री माइनस आप आर टू कर दो तो आपको देखो कंबाइंड वाला पार्ट मिल जाएगा सर बहुत सही बात बताया सर आर थ्री माइनस आर टू तो ऑर्थोटोलाडाइन आलफरनेट टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है अगर आपको मजबूरी है तो ऑर्थोटोलाडाइन टेस्ट जो पुराना वाला है वो तो बिल्कुल हो गया है 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 उसका एक है एक रीजन क्योंकि ऑर्थोटोलाडाइन ऑर्थोटोलाडाइन कैंसर कॉजिंग कंपाउंड और इसी वजह से जो टेस्ट है वो बिल्कुल आउटडेटेड ही हो गया कोई नहीं करता उसको दैट्स बिकॉज ऑफ द कैंसर प्रॉब्लम सो इफ यू वॉन्ट यू कैन नोट डाउन दैट पार्ट यहां तक में अगर टेस्ट नहीं समझ में आया कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं एनी पॉइंट इफ यू हैव नॉट जब ये सारे स्लाइड आपको हो चुके हो यह सारा स्लाइड आपने नोट कर लिया हो देव टू नोट देट स्लाइड और मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन गेट में इतना डीपर नहीं घुसेगा ऑर्थोटो इंटरेस्ट के बारे में नहीं पूछेगा बट दिस क्लास इज फॉर आई एस एज वेल एज एस एस सी स्टूडेंट ऑल्सो तो मेरा बताना फर्ज है मेरा बताना फर्ज है चलिए नोट कर लिया नोट कर लिया ये वाला स्लाइड नोट कर लो ये वाला स्लाइड नोट कर लो और नोट करने के बाद एक बार मैसेज कर दो नोट करने के बाद एक बार मैसेज करना ना भूले आफ्टर नोटिंग डाउन दैट पार्ट प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्लीज डोंट फॉरगेट टू चलिए नोट कर लिया हो तो बताइएगा जल्दी से जल्दी से बताइएगा फिर एक आपको बहुत प्यारा क्वेश्चन दूंगा एक आप लोग के लिए मैं बहुत प्यारा क्वेश्चन ढूंढ के रखा हूं दैट क्वेश्चन आई विल गिव इट टू यू दैट क्वेश्चन आई विल गिव इट टू यू चलो तो आप सबने नोट कर लिया होगा एक क्वेश्चन करेंगे फिर हम बाकी टेस्ट पे देखेंगे एक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी हो गया है चलिए क्वेश्चन मैं टाइप नहीं करवा पाया हूं तो आप मेरे पास क्वेश्चन है मैं लिख के बता रहा हूं आपको पैरल ही नोट कीजिएगा क्लोरीन गैस जो एट मिलीग्राम पर लीटर एस सी एल टू है वॉज एडेड टू ए ड्रिंकिंग सैंपल टू ए ड्रिंकिंग सैंपल If the free chlorine residual and the pH was measured to as two milligram per liter as CL2. And seven point five, respectively, what is the concentration of? Residual OCL माइनस आइन इन वॉटर ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अक्सर लोग गलतियां करते हैं एज्यूम दैट क्लोरीन गैस added to the water converted to hocl and ocl minus reaction which is given to you ocl minus plus h plus च गिव यू एच ओ सी एल एंड द के वैल्यू विच इज गिवेन टू यू चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने है किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो बताइएगा इफ एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन इट्स सेल दे कैन टेल मी If anybody having any doubt in question itself, they can tell me. निखिल इज गिविंग सजेशन सो योर सजेशन इज ऑलरेडी ऑलवेज टेक इन बचा बट एक पीपीटी को रिलीज करने से पहले मेरे को उस सब चैप्टर को कंप्लीट करना पड़ेगा ना इन बिटवीन पीपीटी शेयर विथ यू इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू सो लेट मी कंप्लीट द चैप्टर आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर जिसे कल मैंने आपको फिल्ट्रेशन का ऑलरेडी भेज भी दिया है कल या परसों मैंने भेज दिया है डिसनफेक्शन का कम्प्लीट होगा आपका चैप्टर आपको मिल जाएगा उससे पहले मैं नहीं भेजूंगा उससे पहले मैं नहीं भेजूँगा तो ये भी आप जान लें ठीक है चलो आप लिखो ना लिखो वो तो आपकी मर्जी है क्वेश्चन बनाना वो आपका काम है देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बना पाते हैं हाउ मेनी ऑफ यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन अभिलाष शाम को आपकी जो क्लास होती है नाइन पी में उसमें इन्वॉर्मेंट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं तो आई थिंक प्रतीक आप में से कुछ लोग आते हैं उस क्लास में उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनके लिए कितना बेनिफिशियल है ठीक है प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन का सेशन भी मैं लेके आऊंगा डेफिनेटली लेके आऊंगा बट अभी जो जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं उसको भी आप ध्यान से समझे क्वेश्चन को बहुत ही क्लियर जवाब दीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसीलिए मैं आप लोग को नाइन पीएम वाले सेशन पे बोलता हूं एक घंटे ही सॉल्व करते हैं ज्यादा नहीं चार से पांच क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं क्योंकि बड़े क्वेश्चन रहते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चन रहते हैं लेकिन चीजें बहुत क्लियर होती हैं चीजें बहुत क्लियर होती है बच्चे लोग भी बताते हैं कि सर एक क्वेश्चन में ना कई सारे कंसेप्ट लग जाते हैं और सब कुछ क्लियर होकर निकलता है तो आज फिर नाइन पी में हम लोग मिलेंगे वैसे ही कुछ चार से पांच क्वेश्चन करेंगे और मजेदार क्वेश्चन करेंगे कोई ऐसे आलतू तो फालतू तो क्वेश्चन नहीं चलिए क्वेश्चन बन गया हो तो जवाब दीजिएगा इफ यू गाइज है क्वेश्चन देन प्लीज लेट मी नो इफ यू गाइज हैव सोल्व द क्वेश्चन लेट मी नो आप सब लोग का एग्जाम खत्म हो गया क्या सेमेस्टर एग्जाम क्योंकि अभी भी मेरे को बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं कम बच्चे मेरा मतलब मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है आपको जा, मालूम है मोटिवेशन मतलब मेरी एनर्जी कम हो जाती है तो आप लोग का एग्जाम खत्म हो गया क्या क्योंकि अभी आप लोग के पास एक अच्छा एक्सक्यूज है कि सर एग्जाम है एग्जाम के बाद ये सब एक्सक्यूज नहीं चलेगा क्लास में रेगुलर रहना पड़ेगा एक्सप्लेन कर दूं देखो कुछ भी नहीं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे आपसे बोल रहा है कि क्लोरीन गैस है एट मिलीग्राम पर लीटर एज अ टू डोज ओके वाज एडेड इनटू द ड्रिंकिंग वाटर सैंपल इफ द फ्री क्लोरीन रेसिडुअल एंड पीएच वाज मेजर्ड तो क्या-क्या चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं अपन जो भी चीजें गिवन है उसको अपन लिख लेते हैं सबसे पहले आपको क्या गिवन है फ्री क्लोरीन रेसिडुअल हाउ मच दे हैव गिवन यू 2 मिलीग्राम पर लीटर सर आई वांट दिस इन मोल पर लीटर कैसे करेंगे मोलिकुलर मास ऑफ सी एल टू कितना होगा सर ये तो मालूम नहीं है सर जल्दी बताइए वॉट इज द मोलकुलर मास ऑफ इज मासन का थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इन टू टू इट विल बी सेवेंटी वन एंड दिस अपर पार्ट इज इन मिलीग्राम यू नीड टू कन्वर्ट दिस पार्ट ऑल्सो इन ए मिलीग्राम क्या वैल्यू आएगी वॉट वॉट विल बी द वैल्यू हियर सो टू डिवाइड बाय सेवेंटी वन इन टू 2.81 समथिंग आई एम गेटिंग ठीक है तो ये हमारा आ गया फ्री क्लोरीन रेसुअल अब आप सब लोगों को मालूम है कि फ्री क्लोरीन रेसुअल आप किसको बोलते थे जब आपका एचओ और आपका ओ सीएल माइनस साथ में रहते थे तो उसको आप बोलते थे फ्री क्लोरीन रेसडुअल तो हमको एक इक्वेशन यहां से मिल चुका है हम इसको दिमाग में नोट करके रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। नीचे आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है और के वैल्यू भी गिवन है चलिए उसके बारे में भी बात किया जाए अगर लोअर वाले रिएक्शन का मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं के तो प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट है आपको एचओसीएल डिवाइड बाय ओसीएल माइनस और साथ में H प्लस इसको मैं थोड़ा सा इलेबरेट करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए K इन टू एच प्लस इज इक्वल टू एच ओ सी एल अपॉन ओ सी एल आई थिंक किसी को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल नोट कर सकते हैं सर आपने H प्लस को लेफ्ट साइड में लिया ओके सर एक्सेप्टेबल है सर ठीक है सर आगे बढ़िए सर ओके K की वैल्यू सेवन पॉइंट एच प्लस की वैल्यू के लिए आपको पीएच चाहिए और पी एच कितना सेवन पॉइंट फाइव अगर pH एच सेवन पॉइंट फाइव है तो एच प्लस कितना होगा टेन टू पावर माइनस सेवन पॉइंट फाइव यस और नो एंड बीवल टू वॉट एच ओ सी एल डिवाइड बाय ओ सी एल माइनस सो हियर व्हाट वी गॉट दिस वैल्यू विल बी वन दिस वैल्यू विल बी वन दैट एच ओ सी एल विल बी इक्वल टू ओ सी एल माइनस इज द सेकेंड आउटकम विच वी गॉट सेकेंड आउटकम विच वी गॉट चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार देखते हैं लास्ट लाइन पढ़ना बहुत जरूरी होता है रिमेंबर जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं क्या पूछ रहा है लास्ट लाइन को ना एक बार और पढ़े सोल्यूशन करने के बाद एक बार और पढ़े अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं आपको वट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेसिडुअल ओ सी एल माइनस आयन इन वॉटर मतलब वो ओ सी एल माइनस आयन के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है मतलब उनको ओ सी एल माइनस से मतलब है फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन से हमको क्या पता चलता था कि एच ओसी टू टू पॉइंट एट वन इंटू सिक्स इंटू ट्वेंटू पावर माइनस फाइव और सेकेंड से हमको पता चलता है कि दोनों सेम है तो अगर मैं बोलू कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड तो हमको क्या मिलेगा टू ओ सी एल माइनस विल बी इक्वल टू वॉट टू पॉइंट एट वन सिक्स नाइन 2.8169 पॉइंट एट वन सिक्स नाइन इंटू मोल पर लीटर तो ओ जो आएगा आपको आएगा डिवाइड कर दो आप यहां पे 1.408 पॉइंट फोर जीरो एट इंटू टेन मोल पर लीटर बात समझ में आई तो हां बोलिएगा अगर नहीं समझ में आई तो ना बोलिएगा अगर क्वेश्चन समझ में आया तो हां बोलिएगा अगर नहीं समझ में आया तो ना बोलिएगा जल्दी से आई वॉन्ट क्विक एंसर फॉर्म ऑल ऑफ यू

देखो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कंबाइंड रसिडलोन निकालने सॉरी कंबाइंड ओसीएल माइनस निकाल लें या बोल सकते हो आप माइनस आपको निकालने बोल रहा है दो चीज हमने किया पहले हमने यूज किया जो आपको गिवन है फ्री वाला कॉन्सेंट्रेशन तो फ्री क्लोडीन रसडो वाला कॉन्सेंट्रेशन आपको टू मिलीग्राम मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलीग्राम पर लीटर में गिवन था हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मोल पर लीटर में कैसे कन्वर्ट किया तो जो भी गिवन मास है डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास तो मॉलिकुलर क्लोरीन इज व्हाट 71

और H+ प्लस का आपका कॉन्सेंट्रेशन अगर पी एच है ना तो आप निकाली सकते हो टेन टू दाइनस सेवन पॉइंट फाइव वो है दोनों का मल्टीप्लाई हुआ वैल्यू वन हो गई सी एल और टू समथिंग मतलब जो वैल्यू आपको Ocl की so so केवल ओसीएल माइनस पूछा जाता तो, तो अभी भी तो वही पूछा है अभी भी तो आपको ओसीएल माइनस ही पूछा है अभी कौन सा नया आप पूछा आपसे प्रतीक स्टिल दे अगर आपसे पूछा कि residual chlorine आपको चाहिए, तो अगर आपको ओ, सिर्फ वो भी पूछ रहा है कि अच्छा परसेंटेज कितना है तब तो आप परसेंटेज ऑफ सेल निकालो परसेंटेज ऑफ सेल निकालो रिमेनिंग विल बी ओ सी एल माइनस रिमेनिंग विल बी ओ सी एल माइनस

ट इज ऑफ नो यूज फॉर एस दैट इज नो यूज फॉर एस चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट मैथड नेक्स्ट मैथर फॉर क्लोरिन डेस्टल क्लोरीन नेक्स्ट मेथड फॉर डेस्टल क्लोरीन इज नथिंग बट स्टार्च आयोडाइड स्टार्च आयोडाइड इट्स अ टाइट्रेशन मैथड फॉर योर कन्वीनियंट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू इट्स अ टाइट्रेशन मैथड जहां पर आप क्या करते हो टाइट्रेशन मैथड में आप क्या करते हो कि आप वन लीटर का वॉटर लो वन लीटर ऑफ वॉटर सैंपल ध्यान से देखना प्रोसीजर को ध्यान से देखना प्लस टेन एम एल ऑफ के आई पोटासियम आयोडाइड टेन एम एल ऑफ के आई प्लस फाइव एम एल ऑफ स्टार्च और इसको जो आप टाइट्रेट करते हो उसमें भी स्पेसिफिकली आप कौन सा यूज करते हो एन बाई हंड्रेड का Na2S2O3 टू एस टू ओ थ्री फॉर्मूला आपको मालूम है और इसका नाम भी आप लोग को मालूम है आप लोग नाम बता दो फटक से एन ए टू एस टू ओ थ्री को नाम क्या बोलते हैं कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो ब्लू कलर कंपाउंड फॉर्म होगा ब्लू कलर आपका कंपाउंड फॉर्म होगा इस बात का ध्यान रखिएगा और इसके बाद अगर आपको निकालना है यहां पे Cl2 डोज तो सिंपल फॉर्मुला यूज कीजिए 0.3546 पॉइंट थ्री नंबर ऑफ एम या नंबर लिखना सही नहीं होगा सिर्फ ml लिखेगा ml ऑफ एन बाई हंड्रेड एन ए टू एस टू ओ थ्री इज़ डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दिया तो क्लोरीन डोज आपकी पीपीएम में आ जाती है क्लोरीन डोज आपकी पीपीएम में आ जाती है सोडियम थायोसल्फेट, यस परफेक्टली करेक्ट ऑल्सो यूज इन विंकलर्स मेथड परफेक्टली करेक्ट परफेक्टली करेक्ट परफेक्टली करेक्ट बहुत बढ़िया इसमें से गेट में क्वेश्चन कैसे आएंगे गेट में जो आपको क्वेश्चन फॉर्म होगा एससी में तो आपको बहुत बड़ा पूछ सकता है मतलब पूरा एक्सप्लेन करने बोल सकता है लेकिन जो आपके इसमें आने के चांसेस है गेट में वो रहेंगे वन मार्क क्वेश्चन मेथड में आप कौन सा यूज करते हो स्टार आप कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो तो स्टार्च इंडिकेटर यूज होता है आपके ऐसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं आपके ऐसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं चलिए अब कुछ पॉइंट्स नोट कीजिएगा कुछ पॉइंट्स नोट कीजिएगा सब लोग पॉइंट्स नोट कीजिएगा सब लोग रिगार्डिंग द स्टार चाइडाइट मेथड फर्स्ट पॉइंट इट इज सुटेबल फॉर इट इज सुटेबल फॉर so it is suitable for water where presence of nitrite and n2 is there in this condition ऑर्थोटोलाडाइन टेस्ट विल नॉट वर्क दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा इट इज मोर प्रिसाइज्ड देन ऑर्थोटोलाडाइन टेस्ट इट इज मोर प्रिसाइज्ड देन ऑर्थोटोलाडाइन टेस्ट। बाजू में लिख सकते हो स्पेशली स्पेशली व्हेन, इट इज मोर प्रिसाइज देन ऑर्थोटोलाडाइन टेस्ट, स्पेशली व्हेन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेशली व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Residual chlorine इज मोर देन वन ppm. इज मोर देन वन ppm. चलिए नोट कीजिए पॉइंट देखो ये थियोटिकल पॉइंट है आई नो और ये भी बता दूं कि एसी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट पढ़ना सारा है क्योंकि जीवन में आप सबने पाप किया है कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो फिर ये मत बोलना सर ये पॉइंट आपने पढ़ाया नहीं तो हर पॉइंट को पढ़ना है इन्वायमेंट में कोई भी पॉइंट छोड़ो मत इन्वायमेंट जियोटे ऐसे सब्जेक्ट में कोई पॉइंट छोड़ो मत क्योंकि जिस पॉइंट को आपने छोड़ा वो पता आ जाएगा क्योंकि पंद्रह मार्क्स पूछना है ना जियोटेक में पंद्रह मार्क्स है इधर बारह से तेरह मार्क्स है तो उसमें कोई भी पार्ट कोई भी पॉइंट वो पूछ सकते हैं ले कैन आस क्यू एनी पॉइंट एनी पॉइंट तो जो आपको आज शायद इंपॉर्टेंट ना लगे वो कल इंपॉर्टेंट हो सकता है फिर ऑल्सो यूज एससीटी एसिड, सीड एसिड आप कहा यूज कर रहे हो एसीडी एसिड आप कहा यूज कर रहे हो एसीडी एसिड आप कहा यूज कर रहे हो बच्चा कमेंट बता रहे हो अजाम चलिए नोट कर लिया क्या लास्ट स्लाइड नोट कर लिया दोनों स्लाइड नोट कर लिया होगा आप सबने बोध द स्लाइड यू हैव नोटेड बोथ द स्लाइड यू हैव नोटेड चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दो और छोटे छोटे हैं उसको मैं आगे में ही आपको डिस्कस कर देता हूं क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं डीपीडी टेस्ट और क्लोरोटेक्स दोनों का रिएजेंट का मैं आपको नाम लिख देता हूं जो आपका डीपीडी टेस्ट है उसमें जो रिएजेंट आप यूज करते हो वो है आपका पेलिनियन स्पेलिंग में देख के लिख रहा हूं तो कि आपको गलती ना हो पेलिनियन डीपीडी टेस्ट तो पैलेनियन डीपीडी रेजेंट है आपका और क्लोरोटेक्स में आप बीडीएच क्लोरोटेक्स यूज करते हो बीडीएच कंपनी का नाम है सो तो बीडीएच क्लोरोटेक्स टेक्स्ट नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए आपके लिए इतनी जरूरी है दोनों कलर मैचिंग टेक्निक ही है डीपीडी आपको ज्यादा यूज होता है अगर अभी के सिनेरियो में बोलो तो आपको डीपीडी ज्यादा यूज होता है इन करंट इज मोर मोर यूजफुल करंट सीनारियो डीपीडी आप चाहो तो लिख सकते हो इन करंट सीनारियो डीपीडी टेस्ट इज मोर यूजफुल इन करंट सीनारियो डीपीडी टेस्ट इज मोर यूजफुल चलिए तो आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा अब आप बताइए कि चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो चुका है पीडीएफ में अभी सेंड कर दूंगा आप लोग ये बताइए कि अब मैं नया टॉपिक डिस्कस करूं या आपके कुछ डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करूं नया टॉपिक में मिस्लिनियस ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगा सो यू वांट मी टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक टुडे और वी कैन नॉट गो फॉर डिटेल इन डीपीडी टेस्ट नॉट रिक्वायर्ड निखिल इट्स ओनली अ कलर मैचिंग टेक्निक इफ यू वॉन्ट आई कैन गिव यू फ्यू लाइन मोर बट नॉट रिक्वायर्ड न्यू टॉपिक डिस्कस करें चलो ठीक है चलो कोई बात नहीं देखो नया टॉपिक देखो क्वेश्चंस करने क्वेश्चंस तो करवा दूंगा वो तो है हमारे पास क्या सबको क्वेश्चन ही करना है चलो सब लोग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं देखता हूं ये क्वेश्चन आपको जो अभी मेरे सामने नजर आ रहा है ये हार्डनेस वाले यूनिट का है मतलब क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉटर यूनिट का है देखते हैं कितने लोग इसको बनाते हैं एन ए प्लस आपको गिवन है 56 मिलीग्राम पर लीटर एम जी टू प्लस जो आपको गिवन है वो है थर्टी मिलीग्राम पर लीटर एस थ्री माइनस जो आपको गिवन है वो है वन नाइनटी मिलीग्राम पर लीटर और पीएच ऑफ वाटर जो आपका गिवन है वो है सेवन इन राइट साइड वी हैव गिवेन Ca2+ टू प्लस दैट इज फोर्टी मिलीग्राम पर लीटर एल थ्री प्लस आपका है थ्री मिलीग्राम पर लीटर Cl- माइनस है आपका वन सिक्सटी फाइव मिलीग्राम पर लीटर ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन और क्वेश्चन नंबर टेन बनाना है नाइन पूछ रहा है आपसे टोटल हार्डनेस और टेन पूछ रहा है आपसे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ठीक है एक एक छोटा सा क्वेश्चन ये करते हैं इसके बाद आपको नए टॉपिक भी भी स्टार्ट स्टार्ट कर कर देंगे। देंगे, इसके बाद नए नए टॉपिक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे नोट आज नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि नोट मैं चाहता हूं एक ही पीडीएफ में जाए अभी ये वाले इस पीडीएफ को मैं चाहता हूं वाली पीडीएफ में ही रखूं इसमें मैं नहीं चाहता ट्रीटमेंट वाला पार्ट ऐड हो

कुछ इनर्जेटिक खाओ पियो फरहान इनर्जेटिक ही कुछ खाना पड़ेगा लगता है माउंट क्या आता है आप लोग क्या बोलते हैं उसको रेडबुल हम्म जाम मोहम्मद उतनी डिटेल जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है डोंट डोंट दिल दिल मत लगाओ कहानी से नॉट रिक्वायर्ड नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड चलो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था फर्स्ट आपसे टोटल हार्डनेस पूछा जा रहा है टोटल हार्डनेस के लिए आपको कैल्शियम ढूंढना है मैग्नीशियम ढूंढना है और इसके साथ अगर कोई आपके पास मल्टीवेलेंट कैटायन हो तो हा है ना एल थ्री प्लस है तो सबसे पहले टीएच निकालते हैं एच विल बी कैल्सियम इज फोर्टी तो फोर्टी डिवाइड बाई ट्वेंटी प्लस मैग्नीशियम इज थर्टी थर्टी डिवाइड बाई ट्वेल्व प्लस अल्मोनियम इज थ्री सो थ्री डिवाइड बाई नाइन क्योंकि आप उसका जो आपका इक्वेलेंट मास होता है अल्मोनियम का वो ट्वेंटी सेवन बाई थ्री तो नाइन हो जाएगा इंटू फिफ्टी देखते हैं क्या आता है 40 by 20 plus 30 by 12 plus 3 by 9. So, our right, two forty one point six six milligram per liter. What about total alkalinity? We have only sco 3 The CO3 minus is CO3 two minus is Not uh, there. Not here. Not here. So, sco three minus is nothing but one ninety milligram per liter into 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 fifty divided by sixty one. So, one ninety one into fifty divided by sixty one. The value which we are getting is one fifty six point five five seven milligram per liter as CaCO three as ए सी यू थ्री विचवल विल बी विच विल स्मॉलर विच विल स्मॉलर जो छोटा होगा वो सी एच के बराबर होगा कौन छोटा है? है। छोटा तो कार्बोनेट हार्डनेस आपका हो गया 1.557 मिलीग्राम पर लीटर एंड इफ somebody आस्किंग यू नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इट विल बी नथिंग बट but 241.66 वन पॉइंट माइनस इट विल बी एटी फाइव पॉइंट वन जीरो थ्री मिलीग्राम पर लीटर ठीक है चलिए किसी ने भी इस सवाल का सही जवाब दिया था एनीबडी हेज गिवन मी राइट आंसर प्रतीक का आंसर था टू फोर्टी वन प्रतीक ने बिल्कुल सही जवाब दिया था बच्चा परफेक्टली करेक्ट परफेक्टली करेक्ट परफेक्टली करेक्ट चलो क्लियर है सबको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए तो आगे का डिस्कशन जो मैं करने वाला हूं उसको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको कल के डिस्कशन में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एडिएशन एडिएशन क्या करते हैं अपन एडिएशन में देखो एडिएशन में अपन क्या करते हैं फॉर एग्जांपल ये आपका वाटर सैंपल है ना ये आपका वाटर सैंपल है तो एक चीज होती है आपको जिसको आप बोलते हो डिजॉर्ब और एक होता है आपको जिसको आप बोलते हो एब्जॉर्बन ध्यान समझना ध्यान समझना आज आपको एड्जॉर्बशन और डिजॉर्प्शन में क्लियर कर दूंगा क्या होता है जब आपका एडिशन प्रोसेस होता है तो आप एड्जॉर्पन करते हो किसका o2 का और डिजॉर्ब्शन करते हो H2S एंड CO2 और अदर टॉक्सिक गैसेस आप बोल सकते हो और अदर टॉक्सिक गैसेस जो आपके होंगे वाटर सैंपल है अब आप देखना कहां पे एडजॉर्प्शन और कहां पे डिजॉर्प्शन कैसे होता है इस बात को समझना तो एक हेडिंग दिया हमने एडजॉर्प्शन का एक हमने हेडिंग दिया डिजॉर्प्शन का ठीक है चलिए तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कौन एग्जाम्पल में आ जाए फरहान ही आ जाते हैं तो फरहान के पास सौ रुपए है ध्यान समझना उसके पॉकेट में मैक्सिमम जो जा सकता है वो सौ रुपए कितना सौ रुपए टेक दैट एज अस जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कॉन्सेंट्रेशन मैं लिखवाऊंगा आज सिर्फ समझो आज सिर्फ समझो ठीक है ये फरहान के पॉकेट का मैक्सिमम अमाउंट है हंड्रेड रुपीज इससे ज्यादा नहीं है और सी टी सी टी ये है आपके फरहान का एक्चुअल उसके पास कितना एक्चुअल पा, उसके पास कितने पैसे हैं या एक्चुअल वाटर में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है उसके है। ये आपका एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन हुआ अब आप लोग ध्यान दीजिएगा फर्स्ट केस जहां पे आपका सी जो है वो ग्रेटर देन सी है और दूसरा केस जहां आपका सीएस ग्रेटर देन सी है आप ही लोग जवाब देना आप ही लोग जवाब देना जब आपका जब आप, आपका जो जो फरहान है उसके पॉकेट में अगर डेढ़ सौ रुपए है अगर उसके पॉकेट में डेढ़ सौ रुपए अगर उसके पॉकेट में अगर आपको डेढ़ सौ रुपए दिख रहे हैं अगर उसके पॉकेट में आपको डेढ़ सौ रुपए दिख रहे हैं तो आपको मालूम है कि वो अब क्या करेगा उसको हटाएगा क्योंकि उसके पॉकेट की हिम्मत कितनी है सौ रुपए की है उस पॉकेट औकात कितनी है सिर्फ सौ रुपए की है तो पचास रुपए कहीं ना कहीं वो खर्च करेगा पॉकेट में रख तो पाएगा नहीं तो जब वो खर्च करता है तो क्या हुआ व्हाट इज दैट डिजॉर्पन तो व्हेन व्हेन सीटी सीटी इज मोर देन द सीएस दैट मींस if the concentration of any impurities or any substance is more than the saturated concentration itself then we call as then the then we say that it will go for desorption to kis mein jayega aapko desorption mein jayega now come to the second point come to the second point ab farhan ke job ab aap farhan ke pocket mein 60 rupees hai now in farhan फर, pocket 60 rupees are there और उसकी saturation value 100 है तो अब क्या करना चाहेगा वो उसको जहां मौका मिलेगा वो absorb करेगा absorb करेगा absorb करेगा सो so, तो आपको क्या करेगा वो एब्जॉर्ब करेगा तो जब सी आपका ग्रेटर देन सी मतलब सैचुरेशन कॉन्सेंट्रेशन से आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जब आपके वाटर में कोई सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन उसके सेचुरेशन कॉन्सेंट्रेशन से कम हो तो वो क्या करेगा एबजॉर्ब करेगा और यही हाल होता है आपके एरिएशन प्रोसेस में आपका जो वाटर सैंपल रहता है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है एज कंपेयर टू द आउटसाइड इन्वॉर्मेंट तो आपका क्या होगा ओ टू अंदर घुसता है और आपके वाटर सैंपल में कोई भी एच टू एस या कोई भी टॉक्सिक गैसेस या कोई स्मेल करने वाले गैसेस उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द तो वो क्या होता है Dissolve होता होता है है वो क्या आपको डिजॉल्व होता है पॉइंट समझ में आ गया होगा बिल्कुल किसी को एडजॉर्बशन और डिजॉर्बेशन समझने में अगर प्रॉब्लम हुई तो बताइएगा आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल क्योंकि सारी चीज रेडिएशन प्रोसेस में लिखवाऊंगा समझाऊंगा सब कुछ करूंगा बट ये एडजॉप और डिजॉपन में चाहता हूं थोड़ा क्लियर हो जाए आपको तो अगर क्लियर हो गया तभी हां बोलिएगा अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर से रिपीट करूंगा यू गॉट द आइडिया अबाउट वॉट इज एडजोप्शन एंड वेन द एड्शन विल टेक प्लेस एंड वे द डिजॉप्शन विल टेक प्लेस इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ यू फास्ट आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज इट क्लियर बच्चा इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है तो एडजॉप्शन और कल का हमारा इसी एडजॉप्शन पे इस प्रॉब्लम भी करेंगे न्यूमिकल छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे मजा भी आएगा और कल हमारा मिसलेनियस ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो रेडी रहिएगा सब लोग और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप डिस्कस करते रहिए आज फिर हम लोग मिलेंगे कन्वेंशनल क्लासेस में नाइन पी में तो जो भी लोग चाहते हैं कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना रिगार्डिंग अप टू डिस आज पूछूंगा सिर्फ अप टू डिस तो जो भी डिस्कस करना चाहते हैं कर सकते हैं नाइन पी एम में मिलेंगे तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और मजे करते रहें ठीक है चलो ओके बच्चों बाय बाय थैंक यू 9 पीएम पे शार्पली सब लोग को मिलना है जो लोग भी क्वेश्चन बनाने में इंटरेस्टेड हैं अच्छे क्वेश्चन बनाने में इंटरेस्टेड हैं ठीक है थेके?